फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप अपनी पुरानी साड़ी से एक बहुत ही सुंदर ड्रेस कैसे बनवा सकते हैं। तो मैंने अपनी मेरे पास एक पुरानी साड़ी रखी थी उम्रे शेड में, मेरी मम्मी की, तो मैंने उससे एक अनारकली ड्रेस बनवाई है। ये ड्रेस मैंने अपनी एक लोकल टेलर से स्टिच करवाई थी। जो साड़ी थी वो ओम्ब्रे साड़ी थी, मतलब ब्लू कलर का ओम्ब्रे था, लाइट टू डार्क, और नीचे इसमें ऐसी लखनवी कढ़ाई दी हुई थी। तो ये साड़ी काफ़ी पुरानी हो चुकी थी और अब तो यूज़ की भी नहीं थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके लिए मैं अपनी एक ड्रेस सिलवा लूँ। तो मैंने अपने साइज़ के अकॉर्डिंग अपने टेलर के यहाँ जाके उसको मेरा साइज़ बताया और ये एक डिज़ाइन दिखाई, उसके हिसाब से उसने मेरी ये ड्रेस स्टिच करवाई। तो अनारकली ड्रेस बनाने के लिए आपको एक पूरी साड़ी लग जाएगी, मतलब जैसे कि उसका जो घेरा रहता है वो 3 मीटर का होता है और ऊपर का 1.5 मीटर, और स्लीव्स वगैरह के लिए तो आप पूरी 5 मीटर साड़ी आपकी अनारकली ड्रेस के लिए लग जाती है। और अगर आप स्ट्रेट कुर्ता सिलवाना चाहते हैं तो आपको एक साड़ी में आप 2 से 2 कुर्ते तो सिलवा ही सकते हैं, बट अनारकली के लिए आपको एक पूरी फुल साड़ी चाहिए। तो मैंने एक मेरे दिमाग में एक आइडिया था कि मैं ऐसा नेक रखूँगी उसका, तो मैंने इस टाइप से उसका नेक रखवाया था, मतलब कि ऊपर से बांधने वाला है नेक। और जो मेरा पल्लू था, पल्लू में काफ़ी हैवी एम्ब्रॉयडरी थी, मैंने पल्लू का फ्रंट नेक बनवाया और साइड में उसकी स्लीव्स में फैब्रिक लगवा दिया था कुछ जो पल्लू का बचा हुआ था। और बाकी जो साड़ी का पूरा लेस वगैरह दी हुई थी नीचे की, तो उससे मैंने पूरा नीचे का बनवा लिया और जो प्लेन हिस्सा था, प्लेन से साइड का बताया उसको कि आप साइड का बनाइए, और बीच का मैंने पल्लू का थोड़ा सा पार्ट बताया कि आप ऐसे उसका डिज़ाइन रखिए। तो मैंने जो नेक रखा था वो ऐसा बोट नेक है और ऊपर से ऐसा सामने से जाता है और पीछे इसको आप बांध सकते हैं। इसकी डोरी मैंने काफ़ी लंबी दी बताई थी क्योंकि पीछे से थोड़ी लटके तो अच्छा लगे। जो पीछे से मैंने बैग दिया था वो भी ज़्यादा डीप नहीं है, वो भी बोट नेक ही है। तो टेलर ने मेरी ड्रेस के 300 रुपीज़ चार्ज किए थे, तो उसने जो नीचे का जो बॉटम था उसमें उसने वो लगाया था अस्तर, तो उसके लिए उसने खुद से ही लगाया था, उसने मेरे से टोटल 300 रुपीज़ ले लिए थे। और फिर मैंने उसको बताया था कि जो प्लीट्स वाली डिज़ाइन रहती है नीचे ड्रेस की, आप वैसे सिलिए तो काफ़ी अच्छा घेरा आता है जब आप बैठते हैं, चलते हैं, और यदि आप डांस वगैरह कर रहे हैं तो उस हिसाब से बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत बड़ा घेरा आ जाता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इतना बड़ा घेरा उसने मेरा दिया है, मैं इसकी पहनी हुई पिक्चर सब एंड में बता दूँगी। और अस्तर उसने ऐसा ब्लू कलर का अस्तर लगाया था मैचिंग का। पूरा अनारकली कुर्ता सिलवाने के लिए आपको पूरी साड़ी लग जाती है और आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग स्टिच करवा सकते हैं। जनरली मैं बोलूँगी कि जो प्लेन साड़ी रहती है विथ हैवी दुपट्टा, उसका आप बहुत ही अच्छा एक ड्रेस बन सकते हैं, क्योंकि नीचे का बॉटम जनरली हम प्लेन पहनते हैं और जो ऊपर का हिस्सा रहता है उसको हम हैवी दिखाते हैं। तो जो उसका पल्लू रहता है उसको आप अपना ऊपर का टॉप बता दीजिए, और नीचे के स्कर्ट के लिए उसके लिए आप प्लेन जो नीचे की साड़ी रहती है वो बताइए। और मैंने इसकी जो स्लीव्स दी थी वो 3/4 दी थी ताकि बहुत ही अच्छा लुक आए। जो इसका जो नेक है और जिसकी स्लीव्स है वो मैंने मैच करती हुई दिखाई थी, तो मैंने उसको अपने साइज़ के अकॉर्डिंग बताया तो उसने मुझे स्टिच करके दे दिया। तो चलिए देखते हैं कि पहनने के बाद मुझे ये कैसा लगता है।